Happy weekend. Very good afternoon to all of you. Welcome to English class. In this class, we will be reading about the chapter Miss Bill the Otter. As bit of portion was done in our yesterday's class, we completed, but still remains to be done, and rest we will continue in today's class. Miss Bill the Otter. So, as I told you yesterday, that the narrator Gavin Maxwell, he was a great lover of keeping pets, but his dog died, so he felt lonely. So that's why he kept Otter as a pet. So the name Miss Bill has been given by the narrator himself. अब हर जो dog होता है वो भी तो अलग अलग breed के होते हैं ना सारे, तो ऐसे ही ये जो breed है, means अगर आप कहिए इस race के जो otter होंगे उसको Miss Bill का नाम दिया गया है, ठीक है जी. Miss Bill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. पहले and was at length Christian by zoologist. Zoologist ने क्या नाम दिया था, हमने पढ़ा था ना, यूट्रोगेल, परसिपिसिलेटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. अब क्या दिया, पहले अननोन था साइंस में, उसके बाद क्या है, इसको एक मैक्सवेल ऑटर के नाम से जाना जाने लगा. फॉर द फर्स्ट 24 hours Miss Bill was neither hostile nor friendly. पहले ना तो वो, he was not friendly because he didn't show any interest in narrator, ठीक है ना, वो he was neither friendly nor hostile. He was simply aloof. Aloof means keeping a distance. तो वो क्या है कि distance क्या है, maintain करके रखता था. Because otter was not known to the narrator because otter didn't know like with whom he is living, किसके साथ वो रह रहा है. So that's why he didn't show an interest at first. Ab next kya hai? Haan ji beta, itna samajh mein aaya tha aapko sabhi ko? Show me your thumb sign. Ab wo bata rahe ki second night Miss Bill came into my bed in the small hours, beech beech mein se aata tha, remained asleep in the crook of my knees. Ab jo knees hai uske jo ghutne hai us pe aake wo so jata tha. Until the servant brought tea in the morning and during the day he began to lose his apathy. अब क्या है कि कुछ टाइम तो स्पेंड करता था लेकिन फिर भी क्या, फिर भी वो इतना ज्यादा वो उनके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं हुआ. अब मॉर्निंग में क्या किया, सर्वेंट टी लेके आया, एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी. अब दिन में फिर वो इट डिडंट शो एनी इंटरेस्ट, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. आई मेड अ बॉडी बेल्ट, उसने जो नरेटर ने क्या है एक बॉडी बेल्ट बनाई, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. फिर उसको क्या है, took him on a lead to the bathroom की तरफ लेके गए, where for half an hour he went wild with joy in the water. Because जो otters हैं वो पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना, उसके बिना नहीं रह सकते. जब उसने पानी को देखा तो it was overjoyed, plunging and rolling, बिल्कुल उसमें छलांग लगा रहा है, roll हो रहा है, shooting up down the length of the bathtub, bathtub के बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है. एक्चुअली क्या, जो otters है ना उनको स्टैटिक वाटर नहीं पसंद है कि पानी खड़ा हुआ है, उनको क्या है पानी कैसा चाहिए जो बिल्कुल मूव कर रहा हो. सो दिस वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ otters. अब यहाँ पे slosh का मीनिंग क्या होता है, slosh means liquid in a container. जो liquid होता है, लिक्विड इन अ कंटेनर मूव्ड इररेगुलरली. अब क्या है, लिक्विड इन अ कंटेनर, जो लिक्विड होता है इसमें, लिक्विड इन अ कंटेनर मूव्ड इररेगुलरली. स्लॉश का मतलब क्या है, जो जिसमें वो बाथटब में है तो उसको स्टैटिक पानी नहीं पसंद है. स्लॉश का मतलब क्या है कि फिर वो स्प्लैश करता था जैसे हिपोपोटेमस होता है. सो दिस वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड. उसको हर पानी की जो ड्रॉप है हिलती दिखनी चाहिए, वो उसको क्या स्प्रेड कर सके. बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, जो बाउल होता है एकदम से उसको टर्न कर देता था. इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सैट इन, बैठ जाता था. फिर वो क्या, जो बाथटब था उसमें स्प्लॉश, स्प्लॉश का मतलब क्या है, जो कंटेनर है उस कंटेनर में जो पानी है उसको वो हिलाता था, उसको स्टैटिक पानी
नहीं पसंद था। जो स्टैटिक होता है बेटा, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है, जो रुका हुआ पानी है उसको नहीं पसंद। जब तक क्या है, पानी क्या ओवरफ्लो नहीं हो जाता था, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। पानी से क्या है, वो खेलता रहता था, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। व्हेन स्टैटिक इट्स वेस्टेड, जब पानी जो क्या है, जब पानी क्या है वो स्टैटिक हो जाता था, तो वो क्या है, क्या समझता था इसको, बड़ा प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है, एंगर। प्रोवोक का मतलब बहुत गुस्सा हो जाता था। हाँ जी, ये हम ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया था पहले। चलो अब देखिए, वॉटर्स ऐसे होते हैं। So otters love to spend their lives in water only. Pani ke bina they can't survive. 2 days. Haan ji, ab padhiye. Kaun padhega? Pranjal padhiye. Unmute yourself, beta. Yes, ma'am. 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom. As I entered it and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and from fumbling at the chromium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up, still tight, glittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. 2 days later, Miss Bill kya hai? Uske bedroom se nikal gaya. As I entered it and I turned to see his tail. Uski jo tail hai, jo room mein se kya hai, wo jab nikal gaya to thodi si jo tail hai around the bend of the corridor aur jo bathroom hai na, bathroom jab ja raha tha, thodi si jo tail hai wo corridor mein usko dikhi. Iska matlab wo bathroom mein enter kar chuka tha. Theek hai ji? By the time I got there, he was up on the end of the bathtub. Bathtub mein kya hai, wo mazay le raha hai. Fumbling. Fumbling kya hai? Trying to do something in a clumsy manner. Matlab bade kharaab tarike se, badi harkate karna. Kabhi taps ko apne paws. Paws kya hote? Panje. Unke saath khol raha hai. I watched. Wo keh raha, I watched amazed. Main bahut zyada. Amazed ka matlab hota hai haran hona. Surprised ho jana. To kya hai ki wo ekdam se surprise ho gaya. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. So, कभी वो खोलता था, कभी पानी के साथ कुछ करता था, कभी तो means ऐसी ऐसी वो क्या है activities करता था water के साथ. And after a moment or two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way on later occasions. ठीक है, एक बार तो उसने कहीं ना कहीं वो tap को open कर लिया अपने paws के साथ, but बाद में क्या हुआ? He would sometimes screw it up still tighter. वो मतलब उसको जो है बड़ा जो उसको टाइट करता रहता था. ठीक है, दूसरी बार में उसके साथ क्या हुआ कि वो जो टैप वो नहीं खुली. तो चिटरिंग विद इरिटेशन, चिटरिंग मीन्स उसने जो है आवाज निकाली, इरिटेट हो गया एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट. जब टैप बहुत टाइट हो जाएगी तो उसने क्या, पहले वो खेल रहा था, कभी उसको खोल रहा है, कभी बंद होगी, जब बंद होगी तो उससे दोबारा टैप नहीं खुली. ठीक है जी, have you understood? Next is unmute yourself, Rohit. Rohit, हाँ जी बेटा. Inderjeet Singh. Yes, yes ma'am. हाँ जी, चलो पढ़िए. Very soon, Miz would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player. Using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with the powerful kick flick of the neck to surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with the small objects between his paws. Marbles were Midge's favorite toys for his of them up and down his wide. Flat belly without ever dropping one to the floor. अब क्या है? Over here, what the narrator is telling us, what Midge used to do. He used to play with a number of things like balls, ping pong balls, like soccer balls. Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I call. जब वो उसका नाम लेता था तो वो अंदर आ जाता था. He spent most of his time in play. Actually, what happened? तो मिज ने क्या खेलना शुरू कर दिया. वो क्या रबर बॉल के साथ खेलता था. ठीक है, जैसे 4-footed soccer, जो soccer नहीं होते खेलने वाले,
इसके 4 फुट प्लेयर होता है, इस तरीके से बॉल को क्या है, ड्रिबल का मतलब क्या था आपको पता है ना, बॉल को ऐसे ऐसे करना, तो बॉल को कभी ऐसे ऐसे करता था, अपने पॉज के साथ करता था, कभी उसको फेंकता था, ठीक है, फिर वो वापिस आ जाती थी, कभी किसी डिस्टेंस पे चलेगी, ऊपर चलेगी, सो बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज वेन ही लाइज ऑन हिज बैक। फिर वो क्या है, जो जब वो बैठता था तो क्या है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके उनके साथ भी खेलता था, बिल्कुल जो है अपनी बैक पे बैठ जाता था, जो पॉज हैं, पंजे हैं, बॉल्स को अपने पंजों में ले लेता था, तो इस तरीके से मार्बल्स के साथ खेलता था। तो क्या मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉयज? अब फेवरेट टॉयज कौन से थे मिस के, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, मिस के जो है फेवरेट टॉयज थे, पास टाइम। पास टाइम क्या होता है, जब उसके पास टाइम होता था, जब वो खेलने का मन करता था, तो वो किसके साथ खेलना पसंद करता था, वो सबसे ज्यादा मार्बल्स के साथ। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम, तो जो बैक पे जब वो रोल कर लेता था, तो बैक पे क्या है, बॉल को उछालता था, वो बैक पे आ जाती थी, कभी उनको नीचे गिराता था, कभी ऊपर लेके जाता था, फ्लैट बैली विदाउट एवी ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। सो इस तरीके से क्या है कि वो एंटरटेन जो है किया करता था, वो खुद खेला करता था, तो इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया करता। नेक्स्ट, हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है कौन पढ़ेगा, राजवीर सिंह, अनम्यूट करिए बेटा और वीडियो ऑन करिएगा। ऑन है मैं वीडियो, तो बेटा मैं नहीं, फिर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। चलो पढ़िएगा। द डेज पास्ड peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to the Compass Fernia. The British airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris on the another airline and the from there to London. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inch square. To be carried on the floor at my feet, and I had a box made, and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed. Accustomed का मतलब क्या होता है? हाँ, accustomed to it and left for a hurried meal. कस्टम का मतलब होता है हैबिचुअल। अब क्या है, द डेज पास पीसफुली, अब बसरा में बहुत अच्छे दिन बीते, अब उसने वहां पे वापस भी तो जाना था ना, कहाँ पे जाना था, अब क्या है, अब इंग्लैंड जाना था उसने। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अब उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फियर था, अब इसको लेके कैसे जाया जाए, ये तो बड़ा बहुत इश्यू है, कोई एयरलाइंस अलाउ नहीं करेगी भी एनिमल्स को आप कैरी कर सकते हैं। तो ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो क्या है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है, जो क्या है, जो जो ये जो एयरलाइन, वो क्या कह रहे हैं कि ये अलाउ नहीं करेंगे कि एनिमल्स को लेके जाया जाए। सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए वो पेरिस से पहले उसने जो फ्लाइट बुक करी, ठीक है जी, तो क्या है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑन अनदर एयरलाइन, और कोई और एयरलाइन थी, एयरलाइन ये नहीं थी, ठीक है, वाया पेरिस होके जाने लगा, एंड फ्रॉम देयर टू लंडन द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक। अब उस एयरलाइन ने क्या बोला कि ये जो मिज है, आप इसको क्या करोगे, आप पैक करिए इसको बॉक्स में, ठीक है, और ये बॉक्स है मोर देन 18 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोर पे रखना है इतना बड़ा बॉक्स, हाउ इज पॉसिबल एट माई फीट, और रखना भी फीट के पास है। आई हैड बॉक्स मेड एट एन आर बिफोर वी स्टार्टेड, आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हैबिचुअल होना किसी, सो दैट उसको हैबिट बन जाए इस बॉक्स में रहने की, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरी, फिर जल्दी जल्दी क्या है, खाना खाने के लिए वो निकल गए। हाँ जी, इतना समझ में आया आपको? डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू, शेल आई प्रोसीड? नेक्स्ट, अब आप जसवंत सिंह अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, जसवंत सिंह अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करो बेटा, जल्दी करो। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बात है, अनम्यूट। उज्जवल कपूर, अमन रावत अनम्यूट करिए बेटा, अमन रावत अनम्यूट करिए, अमन रावत अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, अमन रावत अनम्यूट, अमन रावत यू आर ऑन म्यूट बेटा, आई कांट हियर यू, ये क्या कर रहे हो आप म्यूट पे और बोली जा रहे हो,
चलो प्रांजल कंटिन्यू करो आप. When I returned, there was a appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood has trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid. The mage exhausted, the blood spattered, whimpered, and caught at my leg. He had torn the lining of the box of shreds when I removed the last of it so that there was no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable mage back into the box, holding down the lid with my hand. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब वो तो there was an appalling spectacle. Spectacle means एक view जिसको आप कह सकते हैं, उसने क्या देखा उस जब, तो बिल्कुल ऐसा एक व्यू था. देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, बॉक्स में से साइलेंस थी. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, बाहर छोटे छोटे होल्स बना रखे थे, क्योंकि वो एक लिविंग है, ठीक है, उसको भी तो सांस लेना. एंड चिंग्स अराउंड द लिड, ब्लड. अब वो क्या है कि छोटे छोटे जो होल्स बना रखी थी उसने बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है बाहर आने की कोशिश करी होगी. उसके बाद क्या है कि जो ब्लड है, क्योंकि जब एक छोटी सी चीज में आप इतने बड़े को बंद कर दो, हाउस फिजिबल मतलब मुश्किल हो जाएगा ना. तो क्या है कि ब्लड है, ब्लड बहुत निकला हुआ था और वो सूख भी गया था. आई वाइप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन, जब लिड, लिड क्या होता है ढक्कन, उसको जब उसने खोला. एंड मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माय लेग, उसके लेग पे भी लग गया, ठीक है. ये जो बहुत ज्यादा ब्लड जो था थोड़ा फैला सा हुआ था, सूख भी गया था. ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने क्या किया था, उसने बाहर आने की कोशिश करी, ठीक है. तो जो बॉक्स था उसकी जो लाइनिंग थी ना, जो लाइनिंग थी, मान लो उसकी जैसे कि इस तरीके से बॉक्स है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है उसको भी उसने क्या किया, उसको श्रेड्स में, छोटे छोटे श्रेड्स में उसको कुतर दिया उसने. एंड व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ये क्या है, एजेस भी उसकी नहीं बची थी. क्यों? क्योंकि इसने हर कोशिश करी किसी ना किसी तरीके से बाहर आने की. अब कितना टाइम बच गया था, इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट. अब कितनी दूर था, 5 मील वो दूर था. आई पुट द मिजरेबल मेज, बहुत ज्यादा उसकी जो कंडीशन है बहुत सही नहीं थी, तो फिर भी जो उसकी कंडीशन थी, इसी कंडीशन ने उसने क्या किया कि उसको बॉक्स में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड. तो लिड, लिड क्या होता है, ऊपर से जो ढक्कन जो है बॉक्स का, जो ऊपर का हिस्सा होगा, उसको इस तरीके से उसने पकड़ लिया. हाँ जी प्रांजल चाहू पढ़िए बेटा, कंटिन्यू करिएगा. आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the past last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But now, not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver. अब वो क्या है कि वो obvious है, जब वो बैठेगा तो box भी तो साथ में ही रखेगा ना. So as the driver tore through the, अब driver ने जो है इस तरीके से जो taxi वो लेके गया बसरा की streets में से, जैसे एक bullet होती है बड़ी तेजी से निकलती हुई bullet होती है. The aircraft was waiting to take off. अब वो take off का time हो रहा था, उसके जाने का time हो रहा था. I was rushed through it to by infuriated. Means, उसको इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, मीन्स एंग्री होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना. तो वो क्या थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे, उनकी डांट भी उसको सहनी पड़ी. लकली द सीट बुक फॉर मी, कैसे ना कैसे सम हाउ द सीट गॉट बुक एट द, और कौन सी सीट मिली उसको, फ्रंट वाली सारी सीट मिली. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज पेपर, फ्लोर को उस न्यूज पेपर के साथ कवर कर दिया, ठीक है. एयर होस्टेस को बुलाया, तो वो क्या थी, शी वॉज काइंड एंड सिंपथेटिक बहुत ज्यादा, तो उसने अलाउ कर दिया. एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और एक फिश का पार्सल दिया उसने. क्यों? क्योंकि वो जो ऑटर फिश खाता था.
I took her into my confidence about the events of the last half hour. उसने सारा जो सिचुएशन बताई, ठीक है, उसको एयर होस्टेस को क्या किया, उसने कॉन्फिडेंस में लिया. आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट. अब वो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ उस एयर होस्टेस की. सो शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई, तो उसने किया, ठीक है, यू कैन कीप योर पेट बट यू हैव टू पुट इट ऑन योर नी. अब नी पे रखिए इसको. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माय ग्रेटिट्यूड. वो कह रहा है कि मेरा मन करता था. ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? थैंकफुल होना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मींस, ये बता देते हैं बेटा. मैं यहाँ पे मैं लिख रही हूं, थैंकफुल हूं मैं. मेरा मन कर रहा था कि उसके हैंड को मैं किस कर लूं, मतलब इतना मैं ज्यादा ऑब्लाइज फील कर रहा था, बड़ा थैंकफुल था मैं. बट नॉट नोइंग ऑर्डर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉर. अब ऑर्डर्स के बारे में जो उसको ज्यादा नहीं पता था, तो इसलिए ही वॉज नॉट रेडी. अब क्या होगा आगे? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट. अब आइए आप, कौन पढ़ेगा? राजवीर आप पढ़ोगे बेटा. अब ये देखिएगा, अब क्या सीन होने वाला है ये देखिएगा. हाँ जी राजवीर पढ़ो बेटा, जल्दी करिएगा. हरि ओम. Midge was out of the box in the flash. He disappeared at the high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, a rat, I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian driving for it. I missed but found my face covered in curry, perhaps, said the air hostess with the most charming smile. It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. The midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and neck. ठीक है, अब मिज नहीं होगा, मिज. मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, एकदम से आया. ही डिसअपीयर्ड एट, एकदम से जब वो निकला तो इट गॉट डिसअपीयर्ड. ठीक है, स्पीड डाउन, इस तरीके से उसने जो स्पीड पकड़ी, मान लो कि जैसे एयरक्राफ्ट की होती है. देयर वर स्क्वैक्स, स्क्रीक्स. देखो, अगर कोई चीज अचानक से प्लेन में आ जाएगी, कहीं ट्रेन में भी आ जाएगी, सो ऑल विल बी स्कैर्ड. सब डर तो जाते हैं ना सारे एकदम से. सो एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग, चिल्लाते उसने बोला, रैट रैट रैट. आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपीयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ द पॉट. अब जब रैट रैट बोला तो उसने एक साइट, उसने क्या देखा कि मिस की जो टेल है डिसअपियर हो रही है कहां से, एक पॉटली व्हाइट, मींस मोटा सा एक, जो व्हाइट जिसने टर्बन पहनी हुई थी, सरदार था व्हाइट कलर का, उसके लेग्स के नीचे. डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी, परहैप्स सेड द एयर होस्टेस. अब फिर भी समहाउ जो एयर होस्टेस थी उसने एक स्माइल पास करी. ठीक है, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम. उसने क्या बोला कि इससे बेटर है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ. आई विल फाइंड, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हॉस्टेस हूं, सो समहाउ आई विल, मैं सारा जो है प्रॉब्लम जो है आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगी. ठीक है, एंड आई विल फाइंड एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू. मैं एनिमल को फाइंड करूंगी और क्या है, और तुम्हें लाके दूंगी. आई रिटर्न टू माई सीट. आई वॉज क्रैनिंग माई नेक. क्रैनिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे, नेक को ऐसे ऐसे कर रहा था. ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट डिस्ट्रेस चिटर. फिर क्या, एकदम से आवाज आई, रिकॉग्निशन एंड वेलकम एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी. फिर नी पे उसको रखा गया. फिर क्या है, तो उसने क्या किया, उसने नजल माई फेस एंड माई नेक. तो जो फेस है और जो नेक है उसको वो क्या है, रब करने लगा. हाँ जी, एट लास्ट वो मिल ही गया. नेक्स्ट कंटिन्यू करिएगा. हाँ जी, फोर्थ पे आइएगा. कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड. और भी बच्चे हैं ना अभी क्लास में? आर्यन सैनी अनम्यूट करिए बेटा. इंद्रजीत सिंह, ओके. आर्यन सैनी आप पढ़िए, इंद्रजीत फिर मैं आपको चांस देती हूँ बेटा. I said, Midge and I remained. Camera off है बेटा. Camera on रखो. मैम actually
ma'am, actually I am in village, so I have a network issue. तो नेटवर्क इशू हो तो फिर ऑन नहीं होता. चलो जल्दी करो. Midge and I remained for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to. हाँ जी बेटा, जल्दी करिएगा. आवाज नहीं आ रही है आपकी. For up to half an hour. हाँ जी, चलो लीव इट. फोर्थ पार्ट हम कल करेंगे. अब मुझे ये बताइए, थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें हम. शैल बी डिस्कस नाउ. क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं अब हम. चलो आ जाइए. What experiment did Maxwell think Campana would be suitable for? अच्छा, leave it. Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? Basra कैसे जाते हैं? I am going to unmute all of you. But unwanted कोई नहीं बोलेगा क्लास में. One by one. You can unmute yourself. Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? Otter कैसे मिला? How does he get the otter? Does he like it? Pick out the words. They can ask you these questions. बेटा unmute करो. आवाज आ रही है आपको मेरी? ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, यही आपका होम टास्क होगा. ऑल ऑफ यू हैव गॉट बुक्स. सबके पास बुक्स है ना? तो ये क्वेश्चंस अपने थोड़े रेडी करके आना. सो टुमारो आई विल आस्क द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. फर्स्ट पहले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन वी विल कंटिन्यू. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग चैप्टर? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.